नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IPL की सबसे सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस की और कैसी रहने वाली है UAE में मुंबई इंडियंस की IPL 2020 और साथ में ये भी बताएंगे UAE में पिच और कंडीशन के हिसाब से कैसा रहने वाला है मुंबई इंडियंस का प्लेइंग 11 और मुंबई इंडियंस की क्या है स्ट्रॉन्ग जोन और क्या है वीक जोन, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मुंबई इंडियंस की जबड़े वाले फैन हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटे को दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि IPL 2020 की शुरुआत UAE में 19 सितंबर से शुरू होगी और 10 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा, जिसकी तैयारी BCCI और IPL की फ्रेंचाइजियों ने तेज़ी से कर दी है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस IPL इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम है। मुंबई ने IPL के कुल 5 फाइनल्स खेले हैं जिसमें से उन्होंने 4 IPL टाइटल अपने नाम की है, जबकि IPL की सबसे दूसरी सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग है जिसने 8 बार फाइनल मुकाबला खेला है जिसमें मात्र 3 बार ही IPL टाइटल अपने नाम किया है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने ये चारों टाइटल अपने नाम किया है। हालांकि सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में 2010 में मुंबई फाइनल में गया लेकिन चेन्नई के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 2013 में फिर से फाइनल में मुंबई और चेन्नई आमने सामने थे लेकिन इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने IPL का पहला टाइटल अपने नाम किया और यहीं से शुरू हो गई IPL का खिताब जीतने का सिलसिला। और 2015 में मुंबई इंडियंस ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग को 41 रनों से हराया। 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट को मात्र 1 रन से हराया और एक और बार मुंबई ने चेन्नई को 2019 में 1 रनों से हराया। IPL 2019 जो मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया था, मुंबई ने चेन्नई को कुछ इस प्रकार से हराया। बस मुंबई ने जीता और हमेशा की तरह फाइनल में पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बैटिंग करने आए रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक ने शुरुआत कुछ अच्छा नहीं किया। रोहित मात्र 14 ओवर पर 15 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं क्विंटन डिकॉक भी 17 बॉल पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। लास्ट में पोलार्ड की 25 बॉल पर 41 और हार्दिक की 10 बॉल पर 16 रन की पारी की मदद से मुंबई एक सम्मानजनक स्कोर 149 रन पर पहुँचा। वही चेन्नई की शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा। ओपनिंग करने आई डू प्लेसिस ने 26 रन की पारी खेली, वही वाटसन ने 88 रनों की पारी खेली। एक समय ऐसा लग रहा था कि चेन्नई आसानी से ये मैच जीत जाएगा लेकिन डू प्लेसिस को किरनाल ने आउट किया और दूसरी छोर से विकेट गिरते चले गए। धोनी मात्र 2 रन बनाकर रन आउट हो गए और वाटसन भी 88 रन बनाकर रन आउट हो गए और लास्ट बॉल पे मात्र 2 रन चाहिए था। मलिंगा बॉल डाल रहे थे और सामने शार्दुल ठाकुर थे जो उस बॉल पे 2 रन नहीं बना पाए और LBW आउट हो गए। और रोमांचक से भरा ये मैच मुंबई इंडियंस ने आसानी से जीत लिया और IPL का चौथा टाइटल अपने नाम किया। अब IPL 2020 की पारी है जो कि UAE में 19 सितंबर से खेला जाना है। ऐसे में रोहित शर्मा की ये टीम एक और बार पूरी कोशिश करने वाली है IPL 2020 की टाइटल अपने नाम करने को। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के कारण 2014 में IPL के कुछ मुकाबले UAE में खेला गया था जिसमें मुंबई की टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मुंबई इंडियंस ने UAE में 5 मुकाबले खेले और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा जो मुंबई इंडियंस के लिए शर्मनाक रिकॉर्ड है। IPL 2014 में सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग और दिनेश कार्तिक जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के टीम में नहीं होने के कारण टीम थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी। सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे जबकि दिनेश कार्तिक उस समय दिल्ली के कैप्टन और विकेट कीपर थे। वहीं रोहित शर्मा से रन नहीं बन रहे थे जबकि जसप्रीत स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन IPL 2020 में ये टीम पूरी तरह बदली हुई है और धमाकेदार प्रदर्शन करने को बेताब है। एक मजबूत और बैलेंस प्लेइंग 11 बनाने से पहले एक नज़र मुंबई इंडियंस की स्क्वाड पर डाल लेते हैं। मुंबई के बैट्समैन हैं रोहित शर्मा, क्रिस लिन, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी और अलमोन प्रीत सिंह। विकेट कीपर हैं क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन और आदित्य तारे। वहीं ऑलराउंडर्स हैं हार्दिक पांड्या, किरनाल पांड्या, किरण पोलार्ड, सेरफोन रदरफोर्ड, अनुकूल रॉय, जयंत यादव और प्रिंस बलवंत राय। बॉलर्स हैं इनके पास जसप्रीत बुमराह, लासित मलिंगा, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चाहर, मिचेल मैकलेगन, नाथन कुल्टरनाइल, धवल कुलकर्णी, मोहसिन खान और दिग्विजय देशमुख। अगर मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को देखें तो यहाँ पे थोड़ी स्पिन अटैक कमजोर पड़ रही है। मुंबई के पास स्पिन के क्षेत्र में कोई बड़ा नाम नहीं है, हालांकि किरनाल पांडे और राहुल चाहर काफ़ी हद तक अच्छे बॉल डाल लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन की बात करें तो मुंबई के पेस अटैक काफ़ी मजबूत है। जसप्रीत बुमराह, लासित मलिंगा, ट्रेंट बोल्ट,
मिचेल मैकलगन, धवल कुलकर्णी और नाथन कुल्टर नैल जैसे अनुभवी बॉलर शामिल हैं। वहीं इनकी बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। रोहित शर्मा, क्रिस लिन, क्विंटन डीकॉक और हार्दिक पांड्या जैसे विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं। बता दें कि यूएई में आईपीएल 2020 के दौरान काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, जिससे पिच में बिल्कुल ही नमी नहीं मिलेगी और पिच में थोड़ा बहुत दरारें भी नज़र आएगी, जिससे स्पिनर्स को बहुत ही मदद मिलने वाली है। और यूएई का ग्राउंड इंडिया के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है, जिससे स्पिनर्स को बैट्समैन को आसानी से फंसाने में मदद मिलती है। इसी कंडीशन को देखते हुए एक मजबूत और अनुभवी प्लेइंग 11 बनाते हैं। करने आएंगे रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डीकॉक, एक लेफ्ट हैंड साउथ अफ्रीकन विकेटकीपर बल्लेबाज। दोनों ही स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं, खासकर रोहित शर्मा पिच पर जम जाए तो मानो रन की बारिश ही हो जाती है, चाहे बॉलर्स कोई भी। नंबर तीन पे सूर्य कुमार यादव, एक राइट हैंड बल्लेबाज जो नंबर तीन पर मुंबई के लिए बड़े बड़े पारियां खेले हैं। नंबर चार पर ईशान किशन, एक लेफ्ट हैंड विकेटकीपर युवा बल्लेबाज जो बड़े लंबे लंबे शॉट खेलते हैं। नंबर पाँच पर हार्दिक पांड्या, एक विस्फोटक ऑलराउंडर, जब इनका बल्ला चलता है तो अच्छे अच्छे बॉलर्स के पसीने छूट जाते हैं। नंबर छः पर कैरन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के एक अनुभवी और बेहतर ऑलराउंडर, बल्ले के साथ साथ इनका फील्डिंग भी जबरदस्त है। और नंबर सात पर किरणाल पांड्या, एक और ऑलराउंडर, स्पिन के साथ बैटिंग भी जबरदस्त करते हैं। नंबर आठ पर नाथन कुल्टर नाइल, एक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, पेस के साथ बैटिंग भी अच्छा करते हैं। नंबर नौ पे राहुल चाहर, एक बेहतर स्पिनर से रहने वाले हैं। नंबर दस पर लसित मलिंगा, द यॉर्कर किंग, जिनका बॉल बैट्समैन को कमी समझ आता है। और नंबर ग्यारह पर बुम बुम बुमराह, जसप्रीत बुमराह, इनके पेस और यॉर्कर के आगे कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। मलिंगा और बुमराह जैसे बॉलर्स यूएई में गर्मी और सूखे पिच पर पेस बॉलिंग करना बखूबी जानते हैं। इस प्लेइंग 11 के साथ अगर मुंबई इंडियंस उतरती है तो ये मैच का रुख अपने ओर मोड़ने का मादा रखती है। अक्सर रोहित शर्मा अपने कप्तानी आईपीएल में ओपनिंग करना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में मुंबई इंडियंस का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 कैसा रहने वाला है? ऐसे में मैंने एक और प्लेइंग 11 बनाया है जो इस प्रकार है। क्विंटन डीकॉक के साथ ओपनिंग करेंगे क्रिस लिन, और नंबर तीन पे रोहित शर्मा, नंबर चार पे सूर्य कुमार यादव, नंबर पाँच पे ईशान किशन एज ए विकेट कीपर, नंबर छः पे हार्दिक पांड्या, नंबर सात पर कैरन पोलार्ड, नंबर आठ पर किरणाल पांड्या, नंबर नौ पे राहुल चहर, नंबर दस पर जसप्रीत बुमराह और नंबर ग्यारह पर लसित मलिंगा रहेंगे। इस प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा के पास बॉलिंग ऑप्शन कम जाता है, लेकिन पोलार्ड भी अच्छे लाइन पर बॉल डाल लेते हैं। अगर ज़रूरी पड़े तो रोहित पोलार्ड से भी बॉल डलवा सकते हैं। दोनों ही प्लेइंग 11 बहुत ही मजबूत और बैलेंस लग रहा है, लेकिन मुझे दूसरे नंबर का प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत लग रहा है। अगर रोहित शर्मा ओपनिंग भी करते हैं तो क्रिस लिन को नंबर तीन पर खिलाकर खुद डीकॉक के साथ ओपनिंग कर सकते हैं। दोनों प्लेइंग 11 युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरा है जो यूएई में धमाका करने को तैयार हैं। इस टीम की बात ही कुछ और है, जैसा भी प्लेइंग 11 बना दो बैलेंस ही नज़र आता है। तो दोस्तों, कैसा लगा प्लेइंग 11? अगर आपको लगता है कि कुछ और चेंजेस किए जा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब अगला टीम एनालिसिस चेन्नई सुपर किंग्स पर बना रहा हूँ, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में।